हे फ्रेंड्स, सैमसंग की तरफ से कुछ ऐसी जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं कि सैमसंग इस बार एक नया फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करने वाला है जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी 1 होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, जानेंगे कि इस फोन में आपको क्या कमाल की बातें देखने को मिल सकती है और ये फोन कब तक लॉन्च हो सकता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भदानी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम सैमसंग गैलेक्सी 1 की बात करें तो ये एस सीरीज और नोट सीरीज का एक कम्बाइन वर्जन हो सकता है। जैसा कि आपको एस सीरीज और नोट सीरीज में सिर्फ एक ही अंतर देखने को मिलता है, वो होता है एस पेन का। आपको नोट सीरीज में एस पेन देखने को मिल जाता है और एस सीरीज में आपको कोई भी एस पेन नहीं देखने को मिलता, वो एक नॉर्मल सा फ़ोन होता है। मगर दोस्तों, आपको सैमसंग गैलेक्सी 1 में एक एस पेन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसका नाम मुझे लगता है सैमसंग गैलेक्सी 1 भी इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि ये एस सीरीज और नोट सीरीज के बदले में एक फ़ोन होगा। दोस्तों, ये फ़ोन अप्रैल 2020 में लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों, अगर हम इस फ़ोन के फ्यूचर के बारे में बात करें तो ये फ़ोन मुझे लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि दोस्तों अभी एस सीरीज और नोट सीरीज को मिलाकर जितने ही फ़ोन लॉन्च होते हैं उसकी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से सैमसंग को अपडेट देने में काफ़ी दिक्कतें आती है। जैसा कि अभी तक एस सीरीज के फ़ोन में एंड्रॉयड 10 का अपडेट नहीं आया है, ना ही सैमसंग वन यूआई का लेटेस्ट का अपडेट आया है। अभी बीटा वर्जन में ही वो सब चल रहे हैं, स्टेबल वर्जन अभी तक नहीं मिला है। मेरे फ़ोन में तो फिलहाल नहीं आया दोस्तों, जिसके वजह से सैमसंग काफ़ी दिक्कत होती है। फिर से एक्जिनोस वर्जन का अलग अपडेट देना पड़ता है और स्नैपड्रैगन फोन्स का अलग अपडेट देना पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी 1 एस सीरीज को रिप्लेस कर देगी और वो फ़ोन एक ही होगा। हाँ, उसका रैम रोम अलग हो सकता है। और दोस्तों, अगर हम नोट सीरीज की बात करें तो उसको रिप्लेस करेगा फोल्डेबल फ़ोन, उसमें भी आपको शायद एस पेन देखने को मिल जाए फ्यूचर में और वो नोट सीरीज को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि दोस्तों, सैमसंग एस सीरीज और नोट सीरीज अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए बनाया जाता था, मगर अब तो ऐसा हो गया है कि दोनों फ़ोन में आपको सेम फीचर्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है, यहाँ तक कि डिस्प्ले का साइज भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी 1 जो फ़ोन होगा वो फ्यूचर में सैमसंग के एस सीरीज को रिप्लेस कर देगी। हाँ, इस साल नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि अगर सैमसंग अचानक से ऐसा करेगा तो उसके कस्टमर्स काफ़ी कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं सैमसंग क्या करता है फ्यूचर में। इससे इसके बारे में दोस्तों मुझे बताने को तो और भी बहुत कुछ है, मगर दोस्तों अभी तक ऑफिशियल जानकारी कुछ भी निकल कर सामने नहीं आई है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, आपसे मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है सैमसंग गैलेक्सी 1 जो फ़ोन होगा वो एस सीरीज को रिप्लेस करेगी या फिर वो एक नया सीरीज चलाएगा सैमसंग? आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पता चल जाएगा भदानी टेक ने कोई वीडियो अपलोड किया। और आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।